रखने हैं सामने, आइए सुनते हैं। यार तो गतवा कि भाई हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं था। हमने शुरू से कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जनता के दरबार में डीएम, जनता के दरबार में कमिश्नर, तो जनता के दरबार में हम लोग उपस्थित होते थे। तो एक चीज तो दिख रहा था कि लोगों को इतना लगता था कि चलो हम आए तो हमारी बात सुनी जा रही है, लेकिन मुझको ये लगा कि थोड़ा सिस्टम तो इम्प्रूव किया है, लेकिन हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन उनके समाधान की कोई गारंटी तो है नहीं। और फिर हमने मुख्यमंत्री सचिवालय से इसका पूरा अध्ययन करवाया, एक ही हम लोगों के स्तर पर कितना आता है, क्या स्थिति है, और जिसका हमने जिक्र किया किस किस चीज का क्या कितने मामले आते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किया। और उसके बाद हमने ये कहा कि जरा पता करिए कि समाधान कितनों का हो रहा। तो हमने ये महसूस किया पूरा देखने के बाद कि लगभग ऑलमोस्ट 40% के आसपास। अब आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने आकर अपनी शिकायत कर रहा है और शिकायत के निराकरण का उपाय किया जा रहा है, लेकिन निराकरण कितना हुआ तो हमने देखा कि 40% के आसपास का निराकरण हो रहा था। हमने कहा भाई ये तो कम है, होना तो चाहिए सबका निराकरण, जिसकी समस्या ऐसी है, जिसकी शिकायत ऐसी है, जिसका निराकरण होना चाहिए। तो इस पर फिर मेरे मन में ये बात आने लगी कि इसके बारे में हम लोगों को कुछ और, जैसे हमने लोक सेवा के लिए कानून बनाया, उसी तरह से शिकायत के निराकरण के लिए हम लोगों को कानून बनाना चाहिए। और इस पर हमने अधिकारियों को भी कहा, सब लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, और उसमें यह तय हुआ कि हम ऐसे शिकायतों का निराकरण करें, उसमें चार से परहेज किया गया। एक तो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो अगर कोई सूचना चाहता है और उसको सूचना प्रदान करने के लिए एक्ट बना हुआ है और वो सेंट्रल एक्ट है, पूरे देश में लागू है, और उसमें अगर कोई गलती करेगा, उसको सूचना नहीं देगा या गलत सूचना देगा, तो उसको अपील करने के लिए अधिकार है, तो अपीलीय प्रावधान भी उसमें है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से संबंधित मसले को, से की शिकायतों को लेने का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से हुआ जब लोक सेवा कानून बन गया है, तो फिर लोक सेवाओं के लिए भी अपील का प्रावधान किया हुआ है, हालांकि उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि जो भी है वो सेवाएं मिल जाती है और कम लोगों को ही जाना पड़ता है। उसके बारे में प्रचारित भी करवाया था हमने कि इसको प्रचारित करिए कि अगर किसी को ऐसा लगे कि उसको नहीं मिल रही है सेवाएं, तो उसको अपीलीय प्राधिकार के पास जाना चाहिए। तो खैर, तो वहां भी अपीलीय प्राधिकार है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसको छोड़ करके। और तीसरी चीज है कि सरकारी सेवाओं में लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि शिकायतों को लेकर वो आ जाए, कोई पेंशन का मसला हो, किसी के तनख्वाह में जो इंक्रीमेंट होता है उसको लेकर, या किसी और चीज को लेकर सेवा से संबंधित कोई मामला लेकर आता है, तो हमने उसके लिए अलग बैठक की कि जो सरकारी सेवाओं से संबंधित मसले हैं उसके समाधान के लिए चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी और नीचे के स्तर तक ऐसा प्रावधान करिए कि लोगों को कठिनाई नहीं हो, और जो सरकारी सेवाओं में हैं उनकी सेवा संबंधी कोई अगर शिकायत है तो इससे नहीं, इसमें वो नहीं शामिल किया जाए, क्योंकि इसका मकसद है आम लोगों की शिकायत को सुनना, और जो सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं उनकी शिकायत हम इसके माध्यम से सुनेंगे, तो संभव है कि सबसे ज्यादा वही लोग आए और लोगों को मालूम भी नहीं हो, इसलिए उसको अलग रखा गया। और चौथा, जो मामला न्यायपालिका में, अब कोई चीज ऐसी चीज है जहां उस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो उसके बारे में तो आप कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते, वो आपके अधिकार में नहीं है, इसलिए उस तरह की शिकायतों को नहीं सुनेंगे। तो चार इसमें सिर्फ अलग रखा गया, आरटीआई को, लोक सेवा कानून को, सरकारी सेवाओं में जो लोग रहे हैं उनकी शिकायतों को, और जो न्यायपालिका से संबंधित मसले उनको छोड़ करके बाकी प्रत्येक डिपार्टमेंट, हम लोगों ने कहा कि एक एक चीज को आप देखिए और बताइए किस तरह की शिकायतें हैं, और इस पर काफी मीटिंग हुई, तब कानून का रूप निर्धारित हो गया और कानून हम लोगों ने पारित करवाया 2015 में, लेकिन तत्काल इसको लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए अगस्त के बाद तो तुरंत फिर चुनाव था 2015 में,
और चुनाव होने के बाद फिर कई तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं, इसलिए उस समय तो संभव नहीं था। लेकिन यह एक जिसको कहिए कि तैयार हो गया कि कौन कौन काम इस कानून को लागू करने के लिए करना पड़ेगा। जैसे हमको लोक शिकायत निवारण अधिकारी का चयन करना पड़ेगा, अगर 100 सब डिवीजन हैं, जिले हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन सबों के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का चयन करना पड़ेगा। इसके अलावा उस कार्यालय को जिस प्रकार से चलाना है उसके लिए टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है और उनके साथ उनको उनकी मदद करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, वैसे कर्मियों की जरूरत होगी, तो यह करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि इसके लिए लोगों को पूरी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी और हर एक विभाग में विभिन्न स्तर पर लोक प्राधिकार बनाना पड़ेगा कि जिनको सुनवाई के दौरान बुलाया जाएगा, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो एक तरह से पूरे राज्य के हर स्तर के अधिकारियों को इसके बारे में सेंसिटाइज किया गया और इन सब चीज़ों को करने में वक्त लगेगा, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि चुनाव के बाद इसको लागू करना है। और जब सारी